सम्राटपुर का राजा भीमसेन अपनी कंजूसी के लिए बेहद मशहूर था। वो राजा होने के बावजूद किसी बनिए की तरह बर्ताव करता था। दौलत उसकी कमजोरी थी और याया से वो मुख्तलिफ किस्म के महसूल वसूलता था और अपना शाही खजाना भरता था। फिर भी वो अपनी रियाया और रियासत के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना चाहता था। राजा की कंजूसी रियाया पर जुल्म की वजह बनती है। इसी कंजूसी के चलते राजा के मन में एक और ख्याल आता है, जिसे वो अपने दरबार में बताता है। राजा भीमसेन के दरबार में जादूगर सामरी का इस्तकबाल है। महाराज जिंदाबाद, जादूगर आपकी खिदमत में हाजिर है। बताइए हमें क्या करना है। जादूगर सामरी, हमारे वजीरों ने तुम्हारे जादू की तारीफ की है। हम अपने जादू से कुछ भी कर सकते हैं, आपकी रियासत की तरक्की या आपके दुश्मनों का खात्मा। बताइए क्या करवाना चाहते हैं आप। जादूगर सामरी, मुझे खुद की तरक्की करनी है। जिस रियासत का राजा रईस होता है, उस रियासत की तरक्की खुद ब खुद हो जाती है। मैं समझा नहीं बादशाह, आप क्या कहना चाहते हैं। राजा भीमसेन अपने शाही खजाने को बढ़ाना और बचाना चाहते हैं। जादूगर सामरी, तुम कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिससे बादशाह सलामत की दौलत दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़े। हुजूर आला, आपके शाही खजाने को बढ़ाना बहुत आसान काम है। कोई रास्ता हो तो बताओ। आप अपनी रियासत के सभी सिपाहियों को मुलाजमत से निकाल दीजिए, उससे उन पर खर्च होने वाले पैसे बच जाएंगे। तो फिर मेरी हिफाजत कौन करेगा, और रियासत के इंतजाम को चलाने के लिए भी तो उनकी जरूरत होगी। आपकी हिफाजत और रियासत के इंतजाम मेरे सिपाही देखेंगे, मेरे जादुई सिपाही। राजा भीमसेन जादूगर सामरी की बात मानकर अपनी रियासत की सभी सिपाहियों को नौकरी से निकाल देता है और जादूगर सामरी अपने जादू से जादुई सिपाहियों को हाजिर कर देता है और उन्हें रियासत की हिफाजत में लगा देता है। इससे राजा का शाही खजाना और बढ़ने लगता है। राजा हौसला अफजाई करने के लिए अपने रियासत के दूसरे मुलाजिमों को भी नौकरी से निकाल कर जादूगर सामरी की मदद लेता है। राजा भीमसेन की रियासत में अफरा तफरी मच जाती है, बगावत की आवाज उठने लगती है। पूरी रियासत में बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। राजा अपने चापलूस वजीरों और जादूगर सामरी के साथ खुशियां मनाते हैं। रियासत के लोग दूसरी रियासत में नौकरी की तलाश में जाने लगते हैं, यानी पलायन होने लगता है। अब हमें भी पलायन करना पड़ेगा। हाँ भाई, अभी रियासत छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। राजा ने तो हम सबकी नौकरी ही छीन ली, हम सबको बेरोजगार कर दिया। सिपाही हो या कोई नौकर, राजा ने सबको घर पर बिठा दिया। ये सब जादुई सामरी की साजिश है। उसने अपने जादुई सिपाहियों को राजा के खिदमत में लगा दिया। इसमें जादुई सामरी का नहीं, हमारे कंजूस राजा की गलती है। हाँ, तुमने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। राजा भीमसेन को अपना खजाना भरने की लत लग गई है। राजा की छोड़ो और अपनी सोचो, अब हमें नौकरी की तलाश में दर दर भटकना पड़ेगा। सम्राटपुर की आवाम का दूसरी रियासत में पलायन बढ़ने लगा, जिससे सम्राटपुर खाली हो गया। जादूगर सामरी अपने जादुई सिपाहियों की मदद से राजा की खिदमत करता रहा और मेवा खाता रहा। एक रोज राजा भीमसेन अपने वजीरों और जादुई सिपाहियों के साथ शिकार करने गया और जंगल के रास्ते अपनी रियासत की हद से बाहर निकल गया। कई रोज तक शिकार की मौज मस्ती का लुफ्त उठाता रहा। चापलूस मंत्री और जादुई सिपाही उसे जल से वापस नहीं आने देते। शिकार पर बहुत दिन बीत जाने के बाद राजा को अपनी रियासत की याद आती है और वो जंगल से अपनी रियासत सम्राटपुर वापस लौट आता है और देखकर हैरान हो जाता है। आइए बादशाह, आइए, जादूगर सम्राट के राज दरबार में आपका इस्तकबाल है। जादूगर सामरी, ये सब क्या है। बादशाह, आप जंगल में शेर का शिकार करने गए थे और यहाँ आप खुद शिकार हो गए। अब आप इस रियासत के राजा नहीं रहे। जादूगर सामरी, तुम बादशाह की तौहीन कर रहे हो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो शाही तख्त से नीचे उतर जाओ।
मैं जादूगर सामरी हूँ और ये मेरे जादुई सिपाही हैं। इस रियासत पर मेरा हक हो चुका है। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो इस रियासत को छोड़कर चले जाओ। मैं सम्राटपुर का राजा हूँ, ये मेरी रियासत है। सिपाहियों, इस जादूगर को बंदी बना लो। मेरे जादुई सिपाहियों, बादशाह और उनके वजीरों को बाइज्जत महल के बाहर कर दो। जादूगर सम्राट के सिपाही राजा और उनके वजीरों को महल से बाहर कर देते हैं। राजा बेइज्जत होकर अपने रियासत में इधर उधर भटकने लगता है। इस वाकये की खबर आवाम तक पहुंच जाती है। वो राजा से मिलकर मदद की बात करते हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने पुराने सिपाहियों की मदद से जादूगर से जंग करते हैं और सामरी का मुकाबला करते हैं। जादूगर के जादुई सिपाहियों को हरा कर वापस अपने महल पर कब्जा करते हैं और राज सिंहासन पर बैठते हैं। जादूगर सामरी, वक्त को बदलने में वक्त नहीं लगता। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। महाराज, आप हमें माफ कर दीजिए। नहीं जादूगर सामरी, तुम्हारे इस गुनाह की सजा मौत है और तुम्हें मौत मिलेगी। सिपाहियों, ले जाओ इस जादूगर को। आज से शाही खजाना आवाम के खिदमत और सम्राटपुर के खिदमत में खर्च होगा। आवाम पर लगने वाले सारे कर माफ कर दिए जाएंगे। आज से आवाम की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाएगा और ये सब पूरा करना मेरा फर्ज है। सम्राट भीमसेन की जय! सम्राट भीमसेन की जय! सम्राट भीमसेन की जय! सम्राटपुर का राजा भीमसेन अपनी कंजूसी के लिए बेहद मशहूर था। वो राजा होने के बावजूद किसी बनिए की तरह बर्ताव करता था। दौलत उसकी कमजोरी थी और रियाया से वो मुख्तलिफ किस्म के महसूल वसूलता था और अपना शाही खजाना भरता था। फिर भी वो अपनी रियाया और रियासत के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना चाहता था। राजा की कंजूसी रियाया पर जुल्म की वजह बनती है। इसी कंजूसी के चलते राजा के मन में एक और ख्याल आता है, जिसे वो अपने दरबार में बताता है। राजा भीमसेन के दरबार में जादूगर सामरी का इस्तकबाल है। महाराज जिंदाबाद, जादूगर आपकी खिदमत में हाजिर है। बताइए हमें क्या करना है। जादूगर सामरी, हमारे वजीरों ने तुम्हारे जादू की तारीफ की है। हम अपने जादू से कुछ भी कर सकते हैं, आपकी रियासत की तरक्की या आपके दुश्मनों का खात्मा। बताइए क्या करवाना चाहते हैं आप। जादूगर सामरी, मुझे खुद की तरक्की करनी है। जिस रियासत का राजा रईस होता है, उस रियासत की तरक्की खुद ब खुद हो जाती है। मैं समझा नहीं बादशाह, आप क्या कहना चाहते हैं। राजा भीमसेन अपने शाही खजाने को बढ़ाना और बचाना चाहते हैं। जादूगर सामरी, तुम कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिससे बादशाह सलामत की दौलत दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़े। हुजूर आला, आपके शाही खजाने को बढ़ाना बहुत आसान काम है। कोई रास्ता हो तो बताओ। आप अपनी रियासत के सभी सिपाहियों को मुलाजमत से निकाल दीजिए, उससे उन पर खर्च होने वाले पैसे बच जाएंगे। तो फिर मेरी हिफाजत कौन करेगा और रियासत के इंतजाम को चलाने के लिए भी तो उनकी जरूरत होगी। आपकी हिफाजत और रियासत के इंतजाम मेरे सिपाही देखेंगे, मेरे जादुई सिपाही। राजा भीमसेन जादूगर सामरी की बात मानकर अपनी रियासत की सभी सिपाहियों को नौकरी से निकाल देता है और जादूगर सामरी अपने जादू से जादुई सिपाहियों को हाजिर कर देता है और उन्हें रियासत की हिफाजत में लगा देता है। इससे राजा का शाही खजाना और बढ़ने लगता है। राजा हौसला अफजाई करने के लिए अपने रियासत के दूसरे मुलाजिमों को भी नौकरी से निकालकर जादूगर सामरी की मदद लेता है। राजा भीमसेन की रियासत में अफरा तफरी मच जाती है, बगावत की आवाज उठने लगती है। पूरी रियासत में बेरोजगारी की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं। राजा अपने चापलूस वजीरों और जादूगर सामरी के साथ खुशियां मनाते हैं। रियासत के लोग दूसरी रियासत में नौकरी की तलाश में जाने लगते हैं, यानी पलायन होने लगता है। अब हमें भी पलायन करना पड़ेगा। हाँ भाई, अभी रियासत छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। राजा ने तो हम सबकी नौकरी ही छीन ली, हम सबको बेरोजगार कर दिया।
सिपाही हो या कोई नौकर, राजा ने सबको घर पर बिठा दिया। ये सब जादुई सामरी की साजिश है। उसने अपने जादुई सिपाहियों को राजा के खिदमत में लगा दिया। इसमें जादुई सामरी का नहीं, हमारे कंजूस राजा की गलती है। हाँ, तुमने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। राजा भीमसेन को अपना खजाना भरने की लत लग गई है। राजा की छोड़ो और अपनी सोचो, अब हमें नौकरी की तलाश में दर दर भटकना पड़ेगा। सम्राटपुर की आवाम का दूसरी रियासत में पलायन बढ़ने लगा, जिससे सम्राटपुर खाली हो गया। जादूगर सामरी अपने जादुई सिपाहियों की मदद से राजा की खिदमत करता रहा और मेवा खाता रहा। एक रोज राजा भीमसेन अपने वजीरों और जादुई सिपाहियों के साथ शिकार करने गया और जंगल के रास्ते अपनी रियासत की हद से बाहर निकल गया। कई रोज तक शिकार की मौज मस्ती का लुफ्त उठाता रहा। चापलूस मंत्री और जादुई सिपाही उसे जल से वापस नहीं आने देते। शिकार पर बहुत दिन बीत जाने के बाद राजा को अपनी रियासत की याद आती है और वो जंगल से अपनी रियासत सम्राटपुर वापस लौट आता है और देखकर हैरान हो जाता है। आइए बादशाह, आइए, जादूगर सम्राट के राज दरबार में आपका इस्तकबाल है। जादूगर सामरी, ये सब क्या है? बादशाह, आप जंगल में शेर का शिकार करने गए थे और यहाँ आप खुद शिकार हो गए। अब आप इस रियासत के राजा नहीं रहे। जादूगर सामरी, तुम बादशाह की तौहीन कर रहे हो। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो शाही तख्त से नीचे उतर जाओ। मैं जादूगर सामरी हूँ और ये मेरे जादुई सिपाही हैं। इस रियासत पर मेरा हक हो चुका है। अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो इस रियासत को छोड़कर चले जाओ। मैं सम्राटपुर का राजा हूँ, ये मेरी रियासत है। सिपाहियों, इस जादूगर को बंदी बना लो। मेरे जादुई सिपाहियों, बादशाह और उनके वजीरों को बाइज्जत महल के बाहर कर दो। जादूगर सम्राट के सिपाही राजा और उनके वजीरों को महल से बाहर कर देते हैं। राजा बेइज्जत होकर अपने रियासत में इधर उधर भटकने लगता है। इस वाकये की खबर आवाम तक पहुंच जाती है। वो राजा से मिलकर मदद की बात करते हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने पुराने सिपाहियों की मदद से जादूगर से जंग करते हैं और सामरी का मुकाबला करते हैं। जादूगर के जादुई सिपाहियों को हरा कर वापस अपने महल पर कब्जा करते हैं और राज सिंहासन पर बैठते हैं। जादूगर सामरी, वक्त को बदलने में वक्त नहीं लगता। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। महाराज, आप हमें माफ कर दीजिए। नहीं जादूगर सामरी, तुम्हारे इस गुनाह की सजा मौत है और तुम्हें मौत मिलेगी। सिपाहियों, ले जाओ इस जादूगर को। आज से शाही खजाना आवाम के खिदमत और सम्राटपुर के खिदमत में खर्च होगा। आवाम पर लगने वाले सारे कर माफ कर दिए जाएंगे। आज से आवाम की जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाएगा और ये सब पूरा करना मेरा फर्ज है। सम्राट भीमसेन की जय! सम्राट भीमसेन की जय! सम्राट भीमसेन की जय!